लंका थाने से सभी सीज की गई दो पहिया वाहनों की नीलामी की गई। एसीपी भेलू पर धनंजय मिश्रा और एसएचओ लंका शिवाकांत मिश्रा के देखरेख में पूर्ण पारदर्शिता के साथ 38 दो पहिया वाहनों की नीलामी की गई, जिसके लिए 24 ठेकेदारों ने खूब बोली लगाई। वहीं बोली लगाने वाले ठेकेदार अजय कुमार सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि लंका थाने में 38 दो पहिया वाहनों की नीलामी थी, जिसमें 24 ठेकेदारों ने बोली लगाई। ये सभी पुरानी गाड़ियां थी, कुछ सीज की हुई गाड़ियां थी और बाकी लावारिस गाड़ियां थी, जिसमें सबसे ऊंची बोली गुप्ता ट्रेडर्स ने 1,81,000 रूपये की बोली लगाई। आज दो पहिया वाहनों की नीलामी थी 38 गाड़ियों का। कहाँ पे? थाना लंका। किस तरह गाड़ियाँ थी जिनकी? सब दो पहिया थी, पुरानी गाड़ी सीज वाली। और ये जो नीलाम हुआ है ये लावारिस में थी। कितने जो है ठेकेदार आए हुए थे? 24 ठेकेदार आए थे। सबसे ऊंची बोली कितनी थी? सबसे ऊंची बोली आई है 1,81,000। किसको मिला है? ये गुप्ता ट्रेडर्स हैं, उन्हीं को लिए हैं। अगली बार भी यही लिए थे, इस बार भी यही लिए। हाँ, पिछली बार कहाँ हुआ था? पिछली बार ये हुआ था सुंदरपुर चौकी पे।